Good morning, all of you. Good morning. You know, yesterday we have done some topics, and today we are going to start first topic, horse and cart problem. Ma'am? Yes. Hello? Haan. पीटीएम का पता है? पीटीएम कंपनी है अपनी 1-2 की। एक मिनट मैम। ओके बेटा, वी विल स्टार्ट द टॉपिक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। यस्टरडे वी हैव जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक बट टाइम वाज ओवर। यू नो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, देयर इज अ हॉर्स एंड व्हिच इज पुलिंग द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये टॉपिक है, तो देखें। सपोज ये आपके पास एक कार्ट है एंड इट इज पुल्ड बाय द हॉर्स। सॉरी आई एम अनेबल टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हॉर्स। ये व्हील्स हैं एंड दीज व्हील्स आर कंटिन्यूअसली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। अब देखिए बेटा, दिस कार्ट हैज सम वेट। सपोज इसका वेट है W1 और वेट की वजह से जो ये फोर्स लगाएगा ग्राउंड की तरफ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कार्ट है, उसका वेट है W1 और W1 की वजह से, इसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा ग्राउंड के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आप सबको पता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वेट की वजह से जो फोर्स है अगर उसको एक्शन बोले तो ग्राउंड का क्या होगा? रिएक्शन होगा। ग्राउंड भी इस कार्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, और इसको हम बोलेंगे दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड R1। ठीक है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? W1 और R1 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द हॉर्स। ये आपके पास हॉर्स है, सपोज यहाँ पे दिस इज हॉर्स। नाउ यू नो हॉर्स हैज ऑल्सो सम वेट, हॉर्स का भी वेट है एंड दिस हॉर्स इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ही वो मूव कर रहा है, आगे वॉक कर रहा है, तो इस हॉर्स का भी वेट होगा और वेट की वजह से ये भी ग्राउंड के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो जो इसके वेट की वजह से फोर्स लगेगा ग्राउंड के ऊपर, हॉर्स के वेट की वजह से वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और मान लेते हैं जो हॉर्स है उसका वेट कितना है? W2। तो W2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे भी ग्राउंड की रिएक्शन होगी। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइंग ए फोर्स ड्यू टू इट्स वेट ऑन द ग्राउंड, देन ग्राउंड विल ऑल्सो रिएक्ट। अगर ये एक्शन मान ले इसको तो ग्राउंड का भी क्या होगा? रिएक्शन होगा और वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है? तो इसको हमने R1 कंसिडर किया था। लेट अस सपोज दिस इज R2 एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे R1 W1 को बैलेंस कर रहा है एंड R2 W2 को बैलेंस कर रहा है। नाउ वी कम टू द टेंशन। देखिए ये हॉर्स है, दिस हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हॉर्स इस कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। तो सपोज ये जो हॉर्स और कार्ट को हमने एक रोप से या स्ट्रिंग से क्या कर रखा है? टाई कर रखा है। तो ये जब ये हॉर्स इस कार्ट को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे टेंशन का फोर्स लगेगा इस रोप के अंदर या ये स्ट्रिंग के अंदर, और वो टेंशन का फोर्स कितना होगा? T1। नाउ अब देखे ये जो कार्ट है ये भी तो हॉर्स को अपनी तरफ पुल करेगा। समझे बात को, हॉर्स विल पुल द कार्ट टूवर्ड्स इट सो दैट क्रिएटिंग ए फोर्स ऑफ टेंशन T1 इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द हॉर्स। नाउ इन रिटर्न कार्ट विल ऑल्सो पुल द हॉर्स टूवर्ड्स इट। तो यहाँ पे एक T2 का टेंशन T2 क्रिएट होगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ कार्ट ऑन द हॉर्स। ये कार्ट हॉर्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है T2, हॉर्स कार्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है T1। ये चीज क्लियर हुई? तो R1 और W1 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, R2 W2 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और T1 और T2 भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। नाउ अब देखें एक फोर्स और यहाँ पे क्रिएट होगा, कौन सा? ये जो हॉर्स है बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जो हॉर्स की लेग्स हैं वो क्या कर रही हैं? ग्राउंड को प्रेस कर रही हैं।
और ग्राउंड को पीछे की तरफ छोड़ रही है और हॉर्स का जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो हॉर्स के लेग्स है वो ग्राउंड के ऊपर कुछ ये फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। आप खुद देखें, व्हेन यू वॉक ऑन द ग्राउंड आपके जो फुट हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की डायरेक्शन में पुश करते हैं और ग्राउंड आपको सपोर्ट करता है आगे की तरफ मूव करने में। तो वी कैन से कि ये जो फोर्स है इसको हम मानते हैं एफ डैश, जो कि हॉर्स के फुट जो है इस पोजिशन में थीटा एंगल बना रहे हैं किसके साथ, ग्राउंड के साथ, और पीछे के डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स के फुट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ग्राउंड भी हॉर्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, हॉर्स के फुट के ऊपर फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि सपोर्ट करता है इसको, हॉर्स के मूवमेंट को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये अगर हॉर्स के फुट का फोर्स है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड भी इसके लिए एक रिएक्शन देगा और वो फोर्स होगा कुछ इस डायरेक्शन में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कि ये हमने कैसे किया। आप खुद भी देखें, व्हेनेवर यू वॉक ऑन द ग्राउंड और फ्लोर आप अपने फुट से क्या कर रहे हो, जब आपका नेक्स्ट स्टेप आप लेने के लिए होते हो तो उस टाइम पे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? निशांत स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? देखिए, ये वो फोर्स है जो कि हॉर्स के फुट अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर इन दिस डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड विच सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? अब देखे, अब हम क्या करेंगे, ये जो आर है ना बेटा, जो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड है, आर डैश आर लगा लेते हैं इसको, इसको हम दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। कैसे? एक कॉम्पोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कह लो, और ये देखिए ये जो फोर्स है अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मान ले तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ये जो फोर्स है आर को हम क्या करेंगे, वी विल रिजोल्व द आर मतलब रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। एक होगा आर कोस थीटा और एक होगा आर साइन थीटा। क्लियर है? तो ये होगा आपके पास जो थीटा के साथ होता है वो होता है आर कोस थीटा। क्लियर? और ये आर है तो एक तो हो गया आर कोस थीटा, अब दूसरा कंपोनेंट आर कोस थीटा के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो यही है, तो जहां पे आर टू है इसी के अलोंग एक और कॉम्पोनेंट होगा, वो कौन सा होगा, आर साइन थीटा। ये चीज क्लियर है? तो ये आपके पास डायग्राम है किसका, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। अब एक बार समझिए, हमने यहाँ पे देखिए W1 ने R1 को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, W2 ने R2 को बैलेंस कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हॉर्स है वो कार्ट को T1 फोर्स से आगे की तरफ, मतलब टेंशन जो क्रिएट हो रही है वो T1 है, और यहाँ पे जो कार्ट इस हॉर्स को अपने डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो कितना टेंशन है, T2। ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब कार्ट पुल हो रहा है हॉर्स की वजह से या हॉर्स पुल कर रहा है कार्ट को, तो उस टाइम पे हॉर्स के फिट इस ग्राउंड को प्रेस करते हैं और ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ वन डैश, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये रिएक्शन होगी ग्राउंड की इस डायरेक्शन में। हमने दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब देखें, ये जो आर कोस थीटा है बेटा, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, आर कोस थीटा क्या करेगा, जो हॉर्स का मूवमेंट है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है? मतलब कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले जाने के लिए हॉर्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सो दिस आर कोस थीटा टेंड्स टू मूव द कार्ट फॉरवर्ड। क्लियर है? बाकी सारे बैलेंसेस क्या हो गए हैं? अब देखें, ये सारे बैल फोर्स तो क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। तो जब ये आर कोस थीटा हेल्प करेगा हॉर्स को टू टेक द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझे? अल्टीमेटली कार्ट और हॉर्स का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए अलोंग द ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, किसका, फ्रिक्शन का फोर्स। और ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा इसको मोशन ऑफ द कार्ट या मूवमेंट ऑफ द कार्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आर कोस थीटा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको, फोर्स और कार्ट के मोशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो आपका होर्स जो है या कार्ट है वो कब मूव करेगा? कार्ट विल मूव, कब मूव करेगा बेटा? जब ये आर कोस थीटा का मैग्नीट्यूड, आर कोस थीटा का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ये चीज सबको समझ आई कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो और ये आर कोस थीटा, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्ट का मूवमेंट हो रहा है, ये आर कोस थीटा ज्यादा हो जाए किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, देन ओनली द कार्ट विल मूव। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। यस श्वेता, कार्तिक, दिशा, निशांत, अनु, नितिका, सुदर्शन, एकता, कोई भी जिसको प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, एनीवन। क्लियर है? सो कार्ट के मूव करने के लिए कंडीशन क्या है? आर कोस थीटा, मुस्कान क्लियर है? आर कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको आप एफ भी लिख सकते हो। आर क्या है बेटा? कौन से वाला आर? ये वाला, ये वाला, ये है बेटा ग्राउंड का रिएक्शन। देखिए, जब कार हॉर्स जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हॉर्स के फुट जो है वो ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में। ग्राउंड पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है और हॉर्स आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो ग्राउंड हॉर्स के फुट है वो ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि एक एंगल बना रहा है थीटा। मतलब जो हॉर्स की फुट है वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ डैश, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और ये जो ग्राउंड है वो क्या करेगा? हॉर्स के ऊपर, हॉर्स के फुट के ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड का रिएक्शन होगा ऐसे। और ये ग्राउंड का रिएक्शन हॉर्स के मूवमेंट को आगे की डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा। ग्राउंड के इसी रिएक्शन की वजह से जो हॉर्स है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि हॉर्स क्या कर रहा है? ग्राउंड को पीछे छोड़ता जा रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जो ग्राउंड, इस हॉर्स के फुट जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जो थीटा एंगल बन रहा है। और ये जो ग्राउंड का रिएक्शन है इसके ऑपोजिट वो ऐसे होगा। क्लियर है? ओके बेटा, इसके ऊपर मैंने बताया था आपको, हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इजी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपकी बुक में इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाइए जल्दी से। क्वेश्चन है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, लेकिन इस पिक्चर को देख के बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है। व्हाट इज द फोर्स, सॉरी व्हाट इज द वर्क डन बाय ए हॉर्स इन डिस्प्लेसिंग ए कार्ट थ्रू 5 centimeter इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स इज 10 newton। इजी सा न्यूमेरिकल है, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स इज 10 newton। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय ए हॉर्स इन डिस्प्लेसिंग ए कार्ट थ्रू 5 centimeter। मतलब ये एक कार्ट है, ये आपके पास देखिए, ये इसके व्हील्स हैं, ये ग्राउंड के साथ टच में है। ये दिस कार्ट इज पुल्ड बाय द हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स है। तो इस कार्ट को 5 centimeter से पुल करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, डिस्प्लेसिंग ए कार्ट थ्रू ए 5 centimeter डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब हॉर्स तो इसको, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द हॉर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो है। तो फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास 15 सेंटीमीटर है। बस इसको मीटर्स में चेंज कर लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है निशांत? हाँ बेटा सही है। आपके पास इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो आपको बहुत इजी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल इजी। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स इंटरनेट पे देखे हैं इससे रिलेटेड, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर पाओगे आप। ओके बेटा चलते हैं। तो देखिए, आपका जो नया रिवाइज्ड सिलेबस है
वो मैं आप लोगों को आज एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. जो हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सब सिलेबस से डिलीट हो गया है. लेकिन आपको मैं ये बोलूंगी कि आपको करना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लास में कराया है वो. ठीक है बेटा, आप सब लोगों को आज आपको रिवाइज सिलेबस मिल जाएगा सेप्टेम्बर पेपर के लिए. आप चाहो तो उसमें से रिवाइज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग. बट मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको यहाँ पे क्लास में सब समझ आ रहा है तो सब कीजिए. दैट विल हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास सबसे ज्यादा नीट में और आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स में यही आपसे पूछे जाते हैं. इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. टॉपिक का नेम इज अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर. अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब विच इज नॉट रियल. यही तो मीनिंग होता है ना अपेरेंट का मतलब, विच इज नॉट रियल. तो ऐसे वेट को हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट बोलते हैं. तो अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर, दैट मीन्स जब एक मैन किसमें होता है, लिफ्ट में होता है, या जब एक वुमेन लिफ्ट में होती है, तो उस केस में उसका जो, हाँ उनको भी करना है. देखिए बात ये है, अगर आप रिवर वाला प्रॉब्लम नहीं करते हो, आप एक बार देख लेना, उसमें है नहीं है सिलेबस में, शायद सिलेबस में वो नहीं है. लेकिन मैंने बताया ना, मैं आपको सारे टॉपिक्स कराती हूँ, मतलब हार्डली कोई टॉपिक होगा जो गलती से रह जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बेटा उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम के ऊपर. देखिए अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट एलिवेटर, ऐसे क्वेश्चंस पे काफी है, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम हो गया, इससे क्या होते हैं बच्चे पजल हो जाते हैं, वो ऐसे पिक्चर्स को देख के मतलब उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और यहीं से एग्जामिनर फायदा उठाता है. वो ऐसे ही टॉपिक को चूज करता है न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा वो डायग्राम देखा होगा, तो कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है माइंड में. लेकिन जब आपने उसको अच्छे से टॉपिक को रीड किया होगा थ्रू द वीडियो, तो आपको लगा होगा कि नहीं इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजिली उसको कर सकते हो. तो ऐसे ही टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांसेस होते हैं, और जो टॉपिक ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं ना, उनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ईजी बनते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कर सकते हो. तो देखिए अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर, ये मैं यहाँ पे एक लिफ्ट बना रही हूँ, दिस इज अ लिफ्ट. यहाँ पे इस लिफ्ट के अंदर सपोज एक वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पे ये एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है. तो आप देखें ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, चाहे तो आप ये सिर्फ समझाने के लिए कि वेइंग मशीन पे इसका जो वेट है वो इतना शो कर रहा है. सपोज इस वेइंग मशीन पे इसका जो वेट शो हो रहा है वो कितना है, 60 kg. तो सिंपली हमें तो ये दिखाना है कि ये अपने वेट की वजह से इस लिफ्ट की सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अपने वेट की वजह से, जो किसमें होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो ये वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू जी के ऊपर. अब ये जो लिफ्ट की सरफेस है जिसको ये अपने वेट की वजह से सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट, तो लिफ्ट का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा. तो जो लिफ्ट का रिएक्शन होगा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ पे फर्स्ट केस हम करेंगे व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट. लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे है. तो मैंने आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट मैंने आपको बता दिया कि विच इज नॉट रियल, लेकिन अपेरेंट वेट बोलेंगे कब? देखिए जब ये मैन है, चाहे ये समझिए कि ये इस वेइंग मशीन पे फोर्स लगा रहा है, और वेइंग मशीन भी किसके ऊपर रखी हुई है, लिफ्ट के ऊपर रखी हुई है अल्टीमेटली. तो कैन वी से कि ये जो मैन है जो कि लिफ्ट के अंदर है, वो अपने वेट की वजह से फोर्स कौन सी सरफेस पे लगा रहा है? ये उस सरफेस पे लगा रहा है जिसके साथ ये कॉन्टेक्ट में है. सिंपली लिफ्ट की सरफेस के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है. क्लियर? कितना फोर्स? अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा है. अब जो ये ग्राउंड का रिएक्शन होगा या लिफ्ट की सरफेस का जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को ही, या रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द
सरफेस ऑफ लिफ्ट उसी को हम क्या कहेंगे अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन. फिर से समझिए, दिस इज द रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द मैन. कि ये वो सरफेस है जो कि मैन के साथ कांटेक्ट में है, वही ये रिएक्शन का फोर्स लगाएगी और इसी रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज द अपरेंट वेट. इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं अपरेंट वेट कहते हैं, किसका ऑफ मैन. बात समझ आ गई अपरेंट वेट का मतलब क्या है, कि ये अपने वेट की वजह से इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इन रिटर्न ये जो सरफेस है वो भी क्या कर रही है रिएक्ट कर रही है और अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन का फोर्स. ये जो रिएक्शन है इसी को हम कह रहे हैं अपरेंट वेट ऑफ द मैन. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फर्स्ट केस, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, पहला केस जब लिफ्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो. तो देखिए बेटा लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो उस केस में क्या आदमी भी किस पे होगा, ये मैन है, दिस इज ऑल्सो एट रेस्ट, तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होगी क्या. एक्सेलरेशन यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन कितना होगा, पर्सन तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इस केस में जो नेट फोर्स लगेगा ऑन द पर्सन वो कितना लगेगा बेटा, वो लगेगा, देखिए ये रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो है mg. और यहाँ पे नेट फोर्स कुछ होगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, जीरो. तो कैन आई से जो रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब अपरेंट वेट, वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट. mg क्या है, एक्चुअल वेट. तो व्हेन लिफ्ट, मैन इज इन द लिफ्ट बट द लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो उस केस में अपरेंट वेट ऑफ द man is equal to the actual weight of the man. ये क्या है actual weight और ये क्या है apparent weight. समझ गए? Yes, किसी को कोई problem? जो lift rest पे है तो ये case clear है. देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि questions आते हैं इसके ऊपर. Clear है, किसी को कोई doubt तो नहीं, बाद में मत बोलना कि मैम अब बता दीजिए. Okay, अब दूसरा case करेंगे. कौन सा case? जब lift रेस्ट पे नहीं होगी, लिफ्ट मूव कर रही होगी. ठीक है, तो अब वी विल डिस्कस द सेकेंड केस. सेकेंड केस है आपके पास लिफ्ट इज नॉट एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट पे नहीं है. निशांत काफी लेट आए, अभी फिफ्थ यूनिट का थर्ड लेक्चर खत्म कर किया है क्या, वो भी करते रहिए साथ साथ ये भी कीजिए. सेकेंड केस When the lift is moving, जो lift है वो क्या कर रही है, move कर रही है in upward या फिर downward direction में. Upward में भी हो सकता है और downward में भी हो सकता है. When lift is moving in either in upward direction or in downward direction, तो पहले lift बना लेते हैं. This is lift. ये देखिए, ये हम वेइंग मशीन बना लेते हैं. यहाँ पे वो पर्सन खड़ा हुआ है. पर्सन इज अप्लाइंग ए फोर्स ड्यू टू इट्स वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको हम, ये जो वेट के इक्वल होगा फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो mg होगा. क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, बस मैं दो तीन दिन में वापस ही आ रही हूँ, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी. इन ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस का भी रिएक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखें, व्हेन द एलिवेटर इज और लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन यूनिफॉर्मली. यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गई हूँ, यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन है तो कैन आई से कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट. और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा. एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी की वजह से. इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, इन दैट केस एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो. और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस केस में
पीछे वाला ही केस बन जाएगा आपके पास, आर रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट की वजह से जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना होगा, जीरो। तो यहाँ से अगेन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी। तो यहाँ से कल से तो नहीं निशांत, ऑन 12th ऑफ सितंबर आई एम कमिंग बैक, सो उसके बाद आपका रेगुलर शुरू हो जाएगा। R इज इक्वल टू एम जी। देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, यहाँ से आपके पास अगेन R क्या है, अपरेंट वेट है, एम जी क्या है, रियल वेट है। तो R और एम जी मतलब अपरेंट वेट अगेन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। आज मैंने आप लोगों की क्लास 10 बजे इसलिए नहीं की क्योंकि आज मेरा बीएड का प्रैक्टिकल है ऑनलाइन, तो उन्होंने 10 से 2 बजे का टाइम दिया है कि वो 10 से 2 बजे के बीच में कभी भी रख सकते हैं। तो मैं आपकी क्लास अगर 10 बजे रखती और उन्होंने भी मुझे ऑनलाइन प्रैक्टिकल के लिए अगर टाइम 10 या 10:30 बजे शेड्यूल कर दिया होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने आज आप लोगों की क्लास ली है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से क्लास 10 बजे ही हो जाएगी। ठीक है बेटा, सेकेंड केस क्लियर है कि लिफ्ट चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगी, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो अगेन नेट फोर्स कितना है, जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो मतलब आर रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अपरेंट वेट, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू रियल वेट या एक्चुअल वेट। तो अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। नाउ वी कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट का मूवमेंट होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखते हैं कि अपरेंट वेट और जो एक्चुअल वेट है दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो थर्ड केस, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब अगर मूव अप कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड मोशन है लिफ्ट का, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा ऑन द पर्सन वो कितना होगा बेटा, F इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और ये जो लिफ्ट का या पर्सन का, क्योंकि पर्सन भी इज इनसाइड द लिफ्ट तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, एम ए के। और नेट फोर्स का मतलब है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है उसमें से अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दोनों को माइनस कर दे तो वो क्या होगा, नेट। तो मैं इसको अगर आर वन मान लूं और इसको एम जी मान ले तो ये होगा आर वन अपवर्ड डायरेक्शन में है माइनस एम जी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, सीधा ही लिख लेते हैं एम इंटू ए। देखिए मैंने आर वन को पहले क्यों लिखा, एम जी को पहले क्यों नहीं लिख लिया, आर वन को पहले इसलिए लिखा बेटा क्योंकि अब अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो आर वन फोर्स है रिएक्शन वाला और लिफ्ट का मोमेंट भी कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो कहना है इसे अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर वन लिखा है, आर वन माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये क्लियर है। अब यहाँ से देखें इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके पास एम ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आर वन प्लस एम ए एंड दिस इज इक्वल टू एम जी। ओके ऐसा कीजिए, आपके पास आर वन है इसको इस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, यहाँ से आप सिंपली एम को कॉमन ले सकते हो, दिस इज जी प्लस ए। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये देखिए आर वन जो है वो एम जी मतलब एक्चुअल मेट में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि आर वन ये है एम ए प्लस एम जी, एम जी का मतलब एक्चुअल वेट। तो यहां से आप सिंपली देख सकते हो कि एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब आर वन इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। और ये R1 जो कि रिएक्शन है किसका, सरफेस का, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अपरेंट वेट बोल रहे हैं। तो इस केस में अपरेंट वेट ग्रेटर है किससे, एक्चुअल वेट से। कोई प्रॉब्लम है फिर से समझाना है, देखिए यहाँ पे वेट की वजह से फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, R1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट का अब मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू एम ए। इसीलिए हमने बोला कि पर्सन के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एम ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर माइनस एम जी, मतलब आर अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, इस वजह से हम इसको माइनस कर देंगे और इक्वल लिखते हैं क्या, जो नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना है, एम ए है। ठीक है, यहां से R1 की वैल्यू mg को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये mg क्या था, एक्चुअल वेट। ठीक है, एक्चुअल वेट में ma ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल वेट में आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो और वो किसके इक्वल है, इस R1 के इक्वल है, और ये R1 क्या है, अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, क्यों, क्योंकि एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ यहाँ से ma का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, यस, चले आगे, ये टॉपिक क्लियर है। इसमें हमें एक दो और केसेस करने हैं। देखिए नेक्स्ट केस क्या होगा, ये तो था, याद रखें जब लिफ्ट का मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था और लिफ्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो हमने ये लिखा था आर वन माइनस एम जी। अब याद रखें हम नेक्स्ट केस करेंगे जब लिफ्ट का मूवमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। देखिए सिलेबस चाहे बेशक धीरे धीरे हो रहा है, आई नो सिलेबस को अभी भी मैं फास्ट नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं, अभी वो बिल्कुल भी उनको नहीं पता है। देखिए अब व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए बट नाउ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब लिफ्ट का मूवमेंट अपवर्ड नहीं किस में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अब जो नेट फोर्स लगेगा पर्सन पे के ऊपर वो कौन सा होगा, वो एक्सेलरेशन की वजह से लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए, जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स लगेगा नेट फोर्स, और एक वेट की वजह से भी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि अपवर्ड में तो सिर्फ एक आर वन है, डाउनवर्ड में एक तो वेट की वजह से हो गया और लिफ्ट का मोमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो फोर्स होगा जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम इन टू ए, ये हो गया नेट फोर्स, और ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, बिकॉज लिफ्ट का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अगेन अब यहाँ पे देखें, वहां पे हमने R1 में से mg को माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे, mg में से अब अगर इसको R2 लिख ले तो हम R2 को माइनस करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स ऑन द पर्सन दैट इज ma। ठीक है, अब देखें R2 को हमें तो सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ma को यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो mg माइनस एम ए, एंड r2 को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो देखिए r2 मतलब अपेरेंट वेट, वो क्या होगा, एक्चुअल वेट, mg क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट में से ये ma क्या हो रहा है, माइनस। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो अपेरेंट वेट है r2 वो क्या है, लेस है ना, इससे इससे, ये देखिए mg में से कुछ माइनस हो रहा है, तो mg क्या है, एक्चुअल वेट, तो एक्चुअल वेट माइनस एम ए, और ये इक्वल है किसके, अपरेंट वेट के।
तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अपरेंट वेट किसके इक्वल है, एक्चुअल वेट माइनस एम ए। चाहे एक्चुअल वेट में से आप चाहे 1 kg ही माइनस करो, तो पहले हमने 60 kg लिया था ना, तो अब कितना रह गया ये 59। तो एक्चुअल अपरेंट वेट कितना आया 59, एक्चुअल वेट कितना है 60। तो इस केस में योर अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? यस बेटा, आई नो फिजिक्स में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, बस उसको पढ़ते रहो। ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे इस केस में जब लिफ्ट का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो मैन है उसका अपरेंट वेट लेस होगा किससे, एक्चुअल वेट से। कोई प्रॉब्लम किसी को? बेटा एक बात बताए ना, आपको इतनी सारी वीडियोज मिल रही है आई नो, लेकिन वो आपके लिए ही है ना, वो वीडियोस बस थोड़ी ज्यादा आपको इसलिए लगती हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में टीच करा देती हूँ। इस टॉपिक को भी मैं अभी तक 5 मिनट में खत्म करा दिया होता, लेकिन क्यों मैं इतना स्ट्रेच कर रही हूँ? तो स्ट्रेच करते हैं तो इसलिए। हाँ निशांत, कोशिश करेंगे सिलेबस खत्म हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जब आपका ये जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल हो, इसका मोशन कैसा हो, फ्री फॉल। तो इन फ्री फॉल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट। फ्री फॉल जब होता है तो आपको पता है एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो इस केस में जब फ्री फॉल होगा तो लिफ्ट का मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अभी हमने रिएक्शन इक्वेशन लिखी थी, वो क्या थी, R2 इज इक्वल टू mg माइनस ma, यही लिखा था हमने। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, g माइनस a यही होगा। R2 मतलब रिएक्शन और रिएक्शन मतलब अपरेंट वेट, तो ये होगा अपरेंट वेट। R2 को मैं लिख सकती हूँ अपरेंट वेट, और ये किसके इक्वल होगा, m। अब देखिए फ्री फॉल का केस है, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो कैन आई राइट a की जगह g, तो ये अपरेंट वेट उस टाइम पे क्या बन जाएगा, जीरो। तो जब फ्री फॉल का केस होता है तो उस केस में अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, एंड दिस इज द केस फॉर वेटलेसनेस। कि कब कोई बॉडी वेटलेसनेस हो जाती है, मतलब उसका वेट क्या हो जाता है, जीरो। मतलब जब वो फ्री फॉल कर रही होती है, जब उसका मोमेंट कैसा होता है, फ्री फॉल होता है, तो उस केस में बॉडी का जो अपरेंट वेट होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों, देखिए ऐसे, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। कि वेटलेसनेस क्या है, जिसमें अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, और ये मोस्टली किसमें होता है, फ्री फॉल के केसेस में होता है। ये क्लियर है? हाँ, ये ग्रेविटेशनल वाले में भी है बेटा वेटलेसनेस, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि वेटलेसनेस सिर्फ एक आपको डेफिनेशन मिलेगी जब फ्री फॉल का केस होता है, उस केस में जो ऑब्जर्व वेट होता है, ऑब्जर्व वेट बोल लो या फिर अपरेंट वेट बोलो, वो बॉडी का कितना हो जाता है, जीरो। क्यों, क्योंकि उस केस में एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। और वो फ्री फॉल नीचे फॉल होता है, चाहे आपकी लिफ्ट हो, चाहे पैराशूट से कोई पर्सन फॉल हो रहा हो नीचे, तो वो सारे वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। अब देखिए इसमें सिर्फ एक लास्ट केस बचा है जो कि बहुत डेंजरस केस है, और वो आप सबको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, ये देखें, when downward acceleration, समझे बात को, when downward acceleration is greater than, जो downward acceleration है, जो मतलब जो movement है lift का वो downward direction में हो, जो acceleration वहां पे downward motion की वजह से होगी वो अगर greater हो जाए, downward acceleration is greater than g, acceleration due to gravity की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ग्रेटर हो जाए, तो उस केस में अपरेंट वेट क्या होगा। देखिए, तो रिएक्शन क्या होगा, हमारे इक्वेशन क्या थी, जब डाउनवर्ड में होगा मोशन तो उस केस में R2 किसके इक्वल होगा, mg माइनस ma, यही होगा आपके पास। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, R2 में से अगर m को आप कॉमन ले लो तो g माइनस a, और यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर है, तो a अगर ग्रेटर है और g अगर स्मॉल है, तो ये जो वैल्यू है इसको जब सोल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड, R2 का मैग्नीट्यूड किस में आएगा, नेगेटिव में,
ये सबको क्लियर है कि अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये चीज सबको समझ आई कि यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है और जी की वैल्यू कम है। तो ए की वैल्यू अगर बड़ी है, जी कम है, तो इस केस में यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो मतलब अपरेंट वेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इस केस में जो पर्सन है वो क्या करेगा, राइज फ्रॉम द फ्लोर, वो फ्लोर से राइज कर जाएगा एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। जो लिफ्ट का सीलिंग है उससे जाके क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, टकरा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो दिस इज द लास्ट केस ऑफ लिफ्ट। आई होप ये क्लियर है। इसके ऊपर फटाफट एक न्यूमेरिकल करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यही पूछ ले। ओके, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। 10 से 11 बजे आप फ्री हो ना, कंटिन्यू करेंगे क्लास। ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट। हाँ बेटा, रियल में पॉसिबल है, कई बार जब फेलियर हो जाता है तो पॉसिबल है। ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट होल्ड्स ए स्प्रिंग बैलेंस विद ए लोड ऑफ 5 kg। ये क्वेश्चन ध्यान से करें आप। 5 kg सस्पेंड फ्रॉम इट। देखिए, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट, एक मैन है वो लिफ्ट के अंदर स्टैंड कर रहा है। होल्ड्स ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट, होल्ड्स ए स्प्रिंग बैलेंस विद ए लोड ऑफ 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ये बोल रहा है what would be the reading of the balance when the lift is descending with an acceleration, when the lift is descending with an acceleration of 3.8 meter per second square. Find out करें कि आपको क्या find out करना है, what would be the reading of the balance when the lift is descending with an acceleration of 3.8 meters per second. तो आपको क्या find out करना है, आपको reaction find out करना है कि इसका ये जो balance है उसका reaction find out करना है क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब लिफ्ट का मोमेंट हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन आपको कुछ गिवन हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है 3.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो उस केस में आपका जो अपरेंट वेट है दैट इज गिवन बाय R2, या R आप सिंपली लिखे और किसके इक्वल हो जाता है, mg माइनस ma के इक्वल हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से m को कॉमन ले सकते हैं, दिस इज g माइनस a। m आपको गिवन है कितना, 5 kg, तो ये आपके पास 5 हो गया। यस 35, यस बेटा राइट, 35, 25 निशांत, 25 तो नहीं, दोबारा से देखिए, 30 न्यूटन भी नहीं, हाँ 30 न्यूटन ठीक है, लेकिन 30 न्यूटन को आप चेंज कर दीजिए क्योंकि आप रिएक्शन निकाल रहे हो, तो वैसे न्यूटन में रखो तो न्यूटन में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशांत पता चला, हाँ 30 आएगा, तो ये हो जाएगा m, g की वैल्यू आप लोगे 9.8, एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितना 3.8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सोल्व करोगे 5 into 9.8 minus 3.8, तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास 6 और ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, अपरेंट वेट। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद ए एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। क्लियर बेटा, आगे चले। ओके, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं ना। अगर यहीं पे अगर ये केस होता कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, आप उस केस में फॉर्मूला लगाते R इज इक्वल टू कौन से वाला, कोई बताएगा, mg प्लस f वाला। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये खत्म हो पाएगा,
principle of conservation of linear momentum. देखिए ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जितना ज्यादा इजी है उतना ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है. बहुत सारा डेली लाइफ की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखते हैं, जैसे मेनली सबसे आपका रॉकेट प्रोपल्शन वाला, उसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगता है. तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब है नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्वड. ठीक है, कि नेट जो टोटल है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या रहेगा, कंजर्वड रहेगा. लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर पी एंड दिस इज इक्वल टू द एम इंटू वी. तो हमें पहले सबसे पहले एक सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम तो हम समझ गए, जिसमें दो तीन चार पांच ऐसी बॉडीज हो या पार्टिकल्स हो उसको हम सिस्टम बोलते हैं. लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? सबसे पहले एक आइसोलेटेड सिस्टम, यस टेल मी, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है. हाँ जरूरी है, ले आपसे पूछ रहा है ये, आपसे वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग. तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर दो तो अच्छा है. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यस एनीवन, जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. जिस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेट, आइसोलेटेड सिस्टम. मतलब जो भी फोर्सेज होंगे वो इंटरनल फोर्सेज होंगे, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं होगा. सच अ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बी, दोनों बॉडीज हैं ए एंड बी. अब देखिए बॉडी ए का जो इनिशियल मोमेंटम है अभी ये क्या कर रही है, दोनों कोलाइड नहीं हुई है, ये ए है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, बी है वो भी, दोनों स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है. तो ए का जो इनिशियल मोमेंटम है, कैन आई राइट इट इज पी ए, और जो बी का इनिशियल मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं पी बी से. फिर क्या हुआ, दोनों कोलाइड कर गए ऐसे, समझ रहे हो. और कोलिशन के बाद, क्योंकि आपको पता है कोलिशन होगा, तो कोलिशन के बाद इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा और उसकी वजह से इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये तो था इनका इनिशियल मोमेंटम. अब जो कोलिजन के बाद जो बॉडी ए है उसका मोमेंटम हो गया कितना, पी ए डैश, और इसका बी का हो गया पी बी डैश. किसी को कोई डाउट? अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे दो बॉडीज है ए और बी, तो ये है एफ ए बी फोर्स, फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है, और एक फोर्स है फोर्स बी, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए, क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी. तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यही लिखते थे हम. यहां से अगर हम चेंज इन मोमेंटम को फॉर्मूला बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है, इनटू डेल्टा टी. इसमें किसी को कोई डाउट, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल पी के. कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये हमने कैसे किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से डेल पी आपके पास क्या होगा, फोर्स इनटू डेल टी. अब यहाँ से सपोज करते हैं ये ए जो फोर्स हम लिखेंगे, पहले ए बी फोर्स लिखेंगे फिर बी ए फोर्स लिखेंगे, तो ये हो गया फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इंटू डेल्टा टी, सॉरी दिस इज डेल्टा टी, और एक इसके इक्वल होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम. यही है चेंज, इसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो ये किसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है, ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो ऑब्वियसली फोर्स कौन लगा रहा है, बी, तो बी का तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम क्या है, पी ए डैश है, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी ए था. लिख सकते हो ऐसे, किसी को कोई भी डाउट? इन द सेम वे हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी बाय ए. अब फोर्स कौन सी बॉडी पे लग रहा है, बी पे, यहां से डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा, डेल पी के, मतलब
बॉडी बी का मोमेंटम के अंदर चेंज, और चेंज को हम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, उसको आप लिखोगे पी बी डैश माइनस पी बी। ये चीज क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। ये चीज समझ आई, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स एफ ए बी वो इक्वल होगा किसके, एफ माइनस बी ए के। ये हमने लिखा था ना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ एफ ए बी किसके इक्वल था, माइनस ऑफ एफ बी ए के इक्वल। ये चीज क्लियर है ना। तो यहां से देखें, ये एफ ए बी और एफ ए बी का मतलब क्या है, ये भाई यही तो है ना, क्योंकि यहाँ से जब दोनों को इक्वेट करोगे तो डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो एफ ए पी ए बी का मतलब है पी ए डैश माइनस पी ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, और एफ बी ए इसके इक्वल है, तो दिस इज पी बी डैश माइनस पी बी। इक्वेशन को सोल्व कीजिए, पी ए डैश माइनस पी ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश, ये प्लस हो जाएगा पी बी। अब एक काम कीजिए, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए, ये होगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश एंड ये आपके पास इक्वल होगा, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो कैन आई राइट पी ए प्लस पी बी। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, ये है फाइनल मोमेंटम और ये है इनिशियल मोमेंटम, दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल, ये फाइनल मोमेंटम है, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जो इनिशियल मोमेंटम था दोनों बॉडीज का बिफोर कोलिजन वो इक्वल है दोनों बॉडीज के सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन वाला, ये बिफोर कोलिजन वाला, तो दोनों अगर सेम है तो दिस वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बस एक थोड़ा सा हमें और करना है, इसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनकी कोई क्लास नहीं क्योंकि मेरी तो क्लास होती है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसमें सबसे मेन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जब आपके पास ये एक गन है ऐसे कुछ, देखिए ये गन है, ठीक है, इस गन में से देखिए जस्ट लाइक दिस, इस गन में से जब बुलेट फायर होती है आगे की तरफ, सपोज बुलेट का मास है एम, इसकी वेलोसिटी है वी, तो ये जो गन है देखिए बुलेट फायर कर रही है, सॉरी गन बुलेट को फायर करती है आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जब बुलेट फायर होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस केस में ये जो गन है वो रिकॉइल होती है। रिकॉइल होने का मतलब जो गन का मूवमेंट है वो पीछे की तरफ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट, कि जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन का मूवमेंट होगा, गन थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या करेगी, रिकॉइल करेगी, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ द गन। रिकॉइलिंग ऑफ द गन का मतलब व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द मूवमेंट ऑफ द गन इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। सपोज एक स्मॉल एम, यहाँ पे जो मास है गन का वो हम कैपिटल एम ले लेते हैं, जो बुलेट का मास है वो स्मॉल एम ले लेते हैं, तो सपोज वी वेलोसिटी से एम मास के बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर हुई, तो गन का जो मूवमेंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसी को क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। अब हमें किस वेलोसिटी से ये रिकॉइल हुई, मतलब जब इसका मूवमेंट पीछे की डायरेक्शन में हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एम वन इज मास ऑफ बुलेट, एम टू आपके पास क्या है, मास ऑफ गन, V1 है ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई, और V2 हम किसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, गन की वेलोसिटी मान लेते हैं। अब देखें, जब ये बुलेट फायर नहीं हुई थी तो दिस बुलेट वॉज प्लेस्ड इनसाइड द गन, मतलब गन और बुलेट दोनों एक सिस्टम थे, तो हम ये बोल सकते हैं
कि जब गन रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब इस पूरे सिस्टम की गन प्लस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो. तो कैन आई से कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट वो कितना होगा, जीरो. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के. तो इनिशियल मोमेंटम तो हमने देख लिया जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज बुलेट के फायर होने से पहले बुलेट वॉज प्लेस्ड इन साइड द गन, और गन भी किस पे थी, रेस्ट पे. तो बुलेट की वेलोसिटी मतलब वी वन और गन की वेलोसिटी वी टू दोनों क्या थे, जीरो थे. तो मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो. क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो. अब देखते हैं जब बुलेट फायर हुई, तो बुलेट फायर हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट का मास m1, किस वेलोसिटी से फायर हुई, v1 वेलोसिटी से, प्लस जो गन है उसका भी मूवमेंट है, वो भी रिकॉइल कर रही है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी मूव कर रही है. इस गन का मास कितना है, m2, वेलोसिटी कितनी है, v2. तो ये है फाइनल मोमेंटम. तो ये फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम के, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो. तो देखिए फाइनल मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो. इनिशियल मोमेंटम जीरो था, यहाँ से फाइनल मोमेंटम भी कितना आ गया, जीरो. तो यहाँ से आप लिख सकते हो m1 v1 is equal to minus m2 v2, और यहाँ से आप रिकॉइलिंग ऑफ गन की जो वेलोसिटी है v2 उसको फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ m1 v1 ओवर m2. यस बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. किसी को कोई डाउट? तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगी इसी बेस्ड पे, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे केसेस मिलेंगे कि जब सपोज एक पर्सन है वो एक बोट से जब जंप करता है किनारे पे, तो उसका मोमेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो बोट है वो पीछे की तरफ शोर से किनारे से पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मोमेंट होता है. तो ये सारी एप्लीकेशंस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की ही है.